नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सिविल लाइन पुलिस ने लगभग 74,000 के नकली नोट के साथ एक आरोपी को रीवा के बोधाबाग से किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। सिविल लाइन पुलिस ने लगभग 74,000 के नकली नोट के साथ एक आरोपी को रीवा के बोधाबाग से किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। रीवा की सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट के साथ सिविल लाइन पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। हो सकता है बड़े नेटवर्क का खुलासा। फिलहाल पुलिस जुटी जांच में। हम आपको बता दें, रीवा एसपी नवनीत भसीन को सूचना मिली थी, एक आदमी जो रीवा के बोधाबाग का रहने वाला है, नकली नोट के साथ मौजूद है। सिविल लाइन पुलिस ने इस सूचना को तत्काल देखा। मुखबिर की सूचना पर आरोपी की घेराबंदी की पुलिस टीम ने। मोहित मिश्रा, पिता राजीव मिश्रा, उम्र 26 साल, महामृत्युंजय नगर बोधाबाग को पकड़ा गया है। पुलिस ने इसके पास से 500 रुपए के लगभग 74 नकली नोट पकड़े हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये नोट आरोपी को कहां से मिले, क्या उसने छापे या कहीं से लेकर आया था, तमाम बातों की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। हम आपको बता दें, काफी अरसे बाद रीवा में नकली नोट को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस को पूरी उम्मीद है उसके हाथ में नकली नोट का एक बड़ा गिरोह लगा है। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस जानकारी जुटा रही है नकली नोट कहां से लाए गए। पुलिस अभी पता लगाने में जुटी हुई है। नकली नोट ये जो पकड़े हैं उसने, ये आरोपी इसका कारोबार अकेले करता था या फिर उसके साथ कोई गिरोह सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन साफ तौर से कहते हैं, हमें मुखबिर से सूचना मिली थी, हमने अपना जाल बिछाया, पुलिस टीम को सक्रिय किया, एक आरोपी को हमने पकड़ लिया है, 500 के नकली नोट उसके पास से मिले हैं। फिलहाल हमारी टीम उससे पूछताछ कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है एक बड़ा रैकेट हमारे हाथ आया है नकली नोट का कारोबार करने वाला। जिस तरीके से उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट मिली है, उसको देखकर हम साफ तौर से, हमारी टीम को अंदेशा है इसके पीछे कई लोग सक्रिय हो सकते हैं। पूरी जानकारी तो जब हम आरोपी से पूछताछ करेंगे, हमारी टीम पूछताछ करेगी, तब हम पूरी तरीके से तय कर पाएंगे कि उसके पीछे कितने लोगों का हाथ था। फिलहाल हमारी टीम की एक बड़ी सफलता, हमने एक आरोपी को 500 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। हमारी टीम उससे लगातार पूछ रही है। ताज़ा अपडेट जो भी होंगे वो निकट भविष्य में पत्रकारों को दिए जाएंगे, ऐसा कहना है पुलिस कप्तान नवनीत भसीन का। फिलहाल आइए हम आपको सुनाते हैं पुलिस कप्तान नवनीत भसीन नकली नोट के बारे में पत्रकारों से क्या कुछ बता रहे हैं। एक व्यक्ति से जानकारी मिली थी हमको, गोपनीय रूप से उसने बताया कि एक व्यक्ति मोहित मिश्रा नाम के हैं, उनके पास नकली नोट की जानकारी उनको है। तो हम लोगों ने इसका होमवर्क करके टीम लगाई, सिविल लाइन पुलिस ने अपना एफर्ट्स किया और आरोपी को राउंडअप किया, तो उससे 37,000 हमको राशि के नोट मिले हैं। प्रत्येक नोट 500 का है और 74 कुल नोट है। अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं और उनका विश्लेषण साइबर सेल की टीम कर रही है। साथ ही इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है, इनको ये नोट कहाँ से मिले और नकली नोट का पूरा चेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड अपनी टीम लगा दी है, इसको पूरा साइबर सेल के माध्यम से भी हेल्प की जा रही है। तो जो भी डेवलपमेंट कल तक हमारे पास होगा, हम उसको आप तक शेयर करेंगे। अभी तो एक ही व्यक्ति हमारे पास है, अगर उनके कोई सहयोगी इस चेन में आते हैं तो उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और अन्य कोई मात्रा मिलती है इस प्रकार के कंसाइनमेंट की, तो उसको भी हम लोग जब्त करेंगे। तो विवेचना का विषय रहेगा, आगे उसको शामिल किया जाएगा। अभी तो प्राथमिक पूछताछ शुरू हुई है,
उसमें तो उनके मोबाइल के माध्यम से उन्होंने कहीं पर ऑर्डर करना बताया है, जिसको कि पहले क्रॉस चेक कर लें हम लोग साइबर सेल के माध्यम से। एक बार क्रॉस चेक होने के बाद फिर अगले चरण पर हम लोग आए। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।